देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश के बरेली मंडल के कई जिलों में बुखार का प्रकोप जारी है। बदायूं और शाहजहांपुर जिलों में पिछले 3 दिनों में बुखार से 6 मौतों का मामला सामने आया है। इससे पहले 11 सितंबर तक इन सभी जिलों में बुखार से मरने वालों का आंकड़ा 36 का था। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के राज्य में लोकतंत्र खतरे में है। अब देश को जातिवाद और सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। बीजेपी अगर फिर सत्ता में आती है तो पूरे देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कानपुर में पकड़े गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमरुज्जमा के 7 साथियों के यूपी में पनाह लेने की बात सामने आई है। ये सभी लंबे समय से असम से लापता हैं, जिसकी वजह से प्रदेश की पुलिस ने स्टेशन, बस स्टॉप, गणेश पांडाल और धार्मिक स्थलों पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां ब्यौरा लेकर तलाश में जुटी हैं। सेंसर बोर्ड ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अभिनेता देव अधिकारी की फिल्म के एक डायलॉग में उत्तर प्रदेश शब्द को राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध मानते हुए उसकी आवाज़ को खत्म करने यानी म्यूट करने के निर्देश दिए हैं। फिल्म में उत्तर प्रदेश के बारे में एक संदर्भ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने आपत्ति उठाई है। राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है, पार्टी के तेवर पूरी तरह से बदल गए हैं। पार्टी एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड चल रही है। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई और इसी दांव का खेल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चलाना चाहती है। प्रदेश के बरेली में दूसरी बेटी पैदा होने से नाराज होकर एक पिता ने अपनी 1.5 साल की बेटी को छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।